हेलो गाइस, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आईसीयू क्या होता है, कौन कौन सी मेडिसिन्स यूज़ होती हैं, उसी तरह आज मैं बात करता हूँ एनआईसीयू क्या होता है, बच्चे को एनआईसीयू में क्यों रखते हैं, एनआईसीयू में आपके बच्चे को देखभाल कौन करता है, और एनआईसीयू की कुछ सावधानियों के बारे में बात करेंगे। और इसके साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि एनआईसीयू में कौन सी दवाई यूज होती हैं और एक दिन का एनआईसीयू में कितना खर्चा आता है। तो अगर आपने मेरा आईसीयू वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या ऊपर दी हुई आई बटन में जाकर मेरा आईसीयू वाला वीडियो देख सकते हैं। तो मैं हूँ शिव उमर, आप देख रहे हैं मेडिकल मंत्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एनआईसीयू क्या होता है। तो एनआईसीयू का फुल फॉर्म होता है न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। दोस्तों, जो बच्चे का जन्म 37 सप्ताह से पहले हो जाता है या उनका वजन 2.5 किलो से कम होता है, उन्हें हम लोग प्री मेच्योर बेबी बोलते हैं। तो उनके लिए एनआईसीयू का प्रयोग किया जाता है। एनआईसीयू में उसकी देखभाल बहुत अच्छे तरीके से की जाती है। दोस्तों, बच्चा जन्म लेने से पहले ना तो वह एक्टिव रहता है और ना ही वह अपने आप से कुछ कर पाता है, लेकिन जन्म होते ही काफ़ी सारी चीज़ें बच्चे को अपने आप से करनी होती हैं, जैसे फेफड़ों को बाहरी हवा से सांस लेनी होती है, इम्यून सिस्टम यानी पाचन तंत्र में काफ़ी बदलाव होता है, और अपनी बॉडी को टेम्परेचर के अनुसार मेंटेन भी करना पड़ता है। यह सब करने में बच्चे को काफ़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है। जैसे दोस्तों, आप किसी बंद कमरे में बैठे हैं और यदि आपको तुरंत बाहर ले जाया जाए तो आपका एटमॉस्फियर में तुरंत चेंजेस आएगा। इसी प्रकार जब बच्चा पेट में रहता है तो वह उसका टेम्परेचर अलग रहता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो उसका टेम्परेचर काफ़ी चेंज हो जाता है। गाइस, प्री मेच्योर बेबी को माँ के पेट जैसी फील देने के लिए एनआईसीयू का यूज़ किया जाता है। यह कई एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चे को सुरक्षित रखा जाता है। अब जानते हैं कि बच्चे को एनआईसीयू में क्यों रखते हैं। तो दोस्तों, जिन बच्चों का जन्म 37 सप्ताह से पहले या 45 सप्ताह के बाद होता है उनको एनआईसीयू में रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, यदि बच्चे को कोई इन्फेक्शन है, तो इसके लिए भी एनआईसीयू का यूज़ किया जा सकता है। जन्म लेने के बाद प्रीमेच्योर बेबी को कुछ और भी ज़रूरत पड़ती है तो उसे एनआईसीयू में रखा जाता है, और यह एनआईसीयू डॉक्टर की निगरानी में किया जाता है। यदि बात करें कि आपके बेबी को एनआईसीयू में उसकी देखभाल कौन करता है, तो सबसे पहले नाम आता है नियोनेटोलॉजिस्ट, जो पूरी देखभाल आपके बच्चे की करता है। फिर नाम आता है रिस्पायरेटरी थेरेपिस्ट, जिसे हम लोग श्वसन चिकित्सक भी बोलते हैं, एंड फिर नाम आता है फार्मासिस्ट का। इसी तरह पूरी टीम होती है जो आपके बच्चे को पूरी देखभाल करती है। अब बात करते हैं कि एनआईसीयू के अंदर रहने वाले लोगों को कौन कौन सी सावधानियों को बरतनी चाहिए। प्री मेच्योर बेबी बहुत ही संवेदनशील होता है। यदि उसके पास जाना है तो आपको बिना हाथ धुले नहीं जाना चाहिए, आपके कपड़े साफ होने चाहिए और आपके मुंह में मास्क लगा होना चाहिए, और बाहरी लोगों को बेबी से मिलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यदि किसी भी पर्सन को जुखाम या बुखार है तो उसे बेबी के पास नहीं जाना चाहिए, इससे इन्फेक्शन का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि एनआईसीयू में कितना खर्चा आता है। तो दोस्तों, मैंने लखनऊ के कई हॉस्पिटल में फ़ोन करके बात किया तो उन्होंने कहा बेबी की कंडीशन देख के रुपये का तय होना होता है। तो मैंने नेल्सन हॉस्पिटल में फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि पहला दिन का खर्चा मेरा 8,000 रुपये होता है, दूसरे दिन का खर्चा मेरा 6,000 रुपये होता है। 6,000 में उन्होंने डॉक्टर का खर्चा, दवाई और कुछ मशीनरी का भी यूज करेंगे। और मैंने अवध हॉस्पिटल में फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने पहले दिन का खर्चा 2,500 रुपये बताया, लेकिन उन्होंने बताया यदि आप कोई मशीन यूज़ करते हैं तो उसका खर्चा आपको अलग से देना पड़ सकता है, तो इसके लिए आपको 7 से 8 हज़ार रुपये पर डे भी देना पड़ सकता है। तो बात करें पूरे इंडिया के एवरेज रेट की, तो आपका खर्चा 4,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का पर डे का आ सकता है। हाँ, डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में और किस हॉस्पिटल में अपने बच्चे का इलाज करा रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की ओर, जिनमें हम लोग जानेंगे कि कौन सी मेडिसिन हम लोग एनआईसीयू में यूज़ करते हैं। तो गाइस, हम कुछ मेडिसिन के नाम आपको बताए दे रहे हैं, जिनमें से पहली ड्रग का नाम आता है एम्पिसिलिन, दूसरी जेंटामाइसिन, तीसरा फ्लोरोसिमाइड, चौथी डोपामिन, एंड जो पाँचवीं है वो आता है माइडाजोलाम। ये ड्रग ऐसी हैं जो कॉमनली एनआईसीयू में यूज़ होती हैं। तो गाइस, आप बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।